हेलो दोस्तों, आशा कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है रैबिट के ब्रीड के बारे में कि कब जो है कि हमें रैबिट से ब्रीडिंग लेना है, कब नहीं लेना है, कब उनका ब्रीड का सही समय आता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही रहेगी, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके और आप अपने रैबिट का अच्छे से केयर कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं और हम जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जो है कि पहली बात तो ये है कि गर्मी के समय आप अपने रैबिट का ब्रीड न कराएं, क्योंकि दोस्तों गर्मी में बहुत ही काफ़ी टेम्परेचर रहता है जो कि रैबिट सहन नहीं कर पाती है, और रैबिट सहन नहीं कर पाती है जिसकी वजह से दोस्तों रैबिट की डेथ भी हो सकती है। अगर दोस्तों वो प्रेग्नेंट है तो उसे और भी काफ़ी गर्मी लगती है जिसकी वजह से दोस्तों उसके जो बच्चे हैं वो भी उनके भी डेथ हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी फीमेल जो है कि मरे हुए बच्चे का जन्म देती है और कभी कभी दोस्तों खुद जो है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो पहली तो ये बात है कि आप कभी भी अपने रैबिट से गर्मी के दिनों में मीटिंग ना कराएं और गर्मी के दिनों में बच्चे ना लें दोस्तों। और दोस्तों जो है कि अभी फिलहाल जो है कि रैबिट का ब्रीडिंग का समय चल रहा है और इस समय दोस्तों आप रैबिट से मीटिंग कराएं, क्योंकि इस समय जो है कि गर्मी, इस समय टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है रैबिट के लिए, ना ही काफ़ी ठंडी है और ना ही काफ़ी गर्मी है दोस्तों। इस समय जो है कि रैबिट के लिए टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, तो आप इस समय जो है कि अपने रैबिट का मीटिंग कराएं और रैबिट से ब्रीडिंग लें दोस्तों। और दोस्तों जो है कि जब आपकी रैबिट मीटिंग कर लेती है दोस्तों, तो आपको अपने रैबिट को क्या खिलाना है अगर आपको मालूम है दोस्तों तब तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों जो है कि आपको अपने रैबिट को हरी घास बिल्कुल ही खिलाना है दोस्तों, क्योंकि हरी घास जो है कि रैबिट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने फीमेल रैबिट को हरी घास बहुत ही काफ़ी मात्रा में दी हुई हूँ, क्योंकि दोस्तों रैबिट जो है कि उतना ही हरी घास खाती है जितना कि उनको आवश्यकता होता है, और हरी घास जो है कि रैबिट को नुकसान नहीं करता है। तो आपको जो है कि 24 घंटा जो है कि अपने प्रेग्नेंट रैबिट के पास हरी घास देना है दोस्त, रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हरी घास रखी हुई हूँ और हमारे जो फीमेल रैबिट्स हैं वो मज़े कर रही हैं और मज़े करके फिर आकर बहुत ही मज़े से हरी घास खा रही हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान देना है कि उसके पास जो है कि हमेशा हरी घास होना चाहिए और पानी भी दोस्तों उनके पास हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अपने रैबिट को फूड्स वगैरह दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों आपको जो है कि अपने रैबिट को तेल वाला चीज़ नहीं देना है, जैसे पके हुए सब्जी वगैरह बहुत सारे दोस्त अपने रैबिट को दे देते हैं, तो वो सभी चीज़ें हमें अपने रैबिट को नहीं देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि हमारी फीमेल ने घर बनाना भी स्टार्ट कर दी है, ये जो है कि प्रेग्नेंट थी दोस्तों और अभी घर बनाना भी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी जो है कि रैबिट के ब्रीडिंग का समय चल रहा है, तो हमारी जो फीमेल रैबिट है वो प्रेग्नेंट थी। तो अब जो है कि ये दोस्तों बच्चे देने वाली है, जैसा कि बच्चे देने से पहले जो रैबिट होते हैं घर बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तो अभी जो है कि हमारी फीमेल ने घर बना रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे जो मैंने हरी घास उसको खाने के लिए दी हुई थी वो सभी हरी घास ले जाकर पत्थर के नीचे घर बनाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों जो है कि यही रैबिट का अच्छा समय है ब्रीडिंग लेने का, क्योंकि इस समय ना काफ़ी टेम्परेचर रहता है ना काफ़ी ठंडी रहती है, इसमें जो है कि रैबिट के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। तो आप जो है कि इसी समय अपने रैबिट से ब्रीड लीजिएगा, इसमें दोस्तों रैबिट भी हेल्दी रहती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी हेल्दी रहेंगे।
दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी फीमेल रैबिट ने घर बना रही थी उसने बच्चे भी दे दी हुई है, और बच्चे जो है कि काफ़ी हेल्दी है दोस्तों, देख सकते हैं। और हमारी जो फीमेल है वो 5 बच्चे दी हुई है, और सभी जो बच्चे हैं ये वाइट कलर के होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पर और भी कलर नहीं है, केवल रेड कलर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो बच्चे होंगे वाइट कलर के होंगे। तो दोस्तों जो है कि यही समय होता है रैबिट से ब्रीड कराने का, मीटिंग कराने का और बच्चे लेने का, यही सही समय है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी रैबिट रखे हुए हैं तो अभी अपने रैबिट का मीटिंग कराएं और उससे जो है कि बच्चे लें, क्योंकि अब जो है कि समय आ चुका है रैबिट से ब्रीड लेने का। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल देहाती एनिमल लवर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है कि हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।